बेबिका ने जिया शंकर का फेस रीड करते वक्त काफी सारी बातें बोली। अब इन बातों को मनीषा रानी क्लियर कर रही है बेबिका के साथ कि चल ये सब चीजें छोड़, तूने जिया के बारे में जो बोला वो क्या सही था या वो सच था, तो क्या बोली है बेबिका, चलिए आप लोगों को बताते हैं ये लेटेस्ट अपडेट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो गाइस बेबिका जो है वो ये बात बोलती है कि भाई ये ड्रेसिंग सेंस तो बहुत अच्छा है पर उसी के साथ जो है काफी ज्यादा शांत रहती है, पर इतनी ज्यादा शांत नहीं है, एक मखौटा जो है लगा के हुई हुई है, बहुत जेलस करती है, बहुत इनसिक्योर है और बस अटेंशन इसको चाहिए होती है वगैरह वगैरह बातें जो है जिया शंकर को बोलती है। तो जहां पर अंदर बैठे हुए बाथरूम एरिया में बैठे हुए जो है ये बात पूछती है मनीषा कि भाई तू ये सब चीजें तो छोड़, अभिषेक के बारे में भी छोड़, बस ये चीज बता कि जिया शंकर जो है उसके बारे में जो तूने बोला वो सच था। जहां पर बोलती है कि हाँ भाई सच था, मैं सच ही बोलती हूँ और मैं अपने काम की कसम खाती हूँ, काम में ये सब चीजें मैं फालतू की चीजें नहीं करती, मैं जो भी मेरे मुंह से जो भी चीज निकली होती है वो सही होती है। और वो बोलती है कि अच्छा वो है ऐसी, तो मनीषा को बोलती है हाँ भाई वो है ऐसी, वेट एंड वॉच, सब चीजें दिखाई दे जाएंगी और मैं ऐसे ही नहीं बोलती हूँ, और जब तुझे दिखाई देगी तब तू मुझे बोलेगी। ये बातें जो है बोलती है, यानी कि भाई इसने अपने काम की कसम खाई है, जिया के बारे में जो रीड किया है, और लोगों का कहना ये है कि भाई पैसे देके भी इसे फेस रीड मत करवाओ। अभी आप ही बताइए कि जिया इनसिक्योर है और क्या कुछ भी अटेंशन पाती है, क्या मतलब कि जो दिख रही है वो जिया है नहीं या जिया रियल दिख रही है। मैं अगर बोलूं तो भाई छोड़ो मैं क्या बोलूं, आप ही बताइए क्या है, क्योंकि आपके जवाब मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।